आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपना बहुत सारा टाइपिंग पे टाइम सेव कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग यूज करके। कमिंग अप। हाय एवरीवन, दिस इज हर्षवर्धन और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल ट्रिक जिसके द्वारा टाइपिंग में जो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं वो आप बचा सकते हैं वॉइस टाइपिंग यूज़ करके। जी हाँ, इससे आप बहुत ही इजीली और एक्यूरेटली टाइपिंग कर सकते हैं और ये आपका बहुत सारा समय बचाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग और सिंपल ट्रिक है और जब से मेरे को इसका पता चला है, ब्लॉगिंग करना या कोई आर्टिकल लिखना या सब कुछ लिखना बहुत ही आसान हो गया है। और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, उससे आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से अपना बहुत सारा टाइपिंग का टाइम सेव कर सकते हैं वेरी इजीली। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे वॉइस नॉट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो जो ये पहला रिजल्ट आएगा आप उसको ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये वॉइस नॉट टू स्पीच टू टेक्स्ट है, तो यहाँ पर इसके द्वारा ये एक सिंपल ऐप है और एक्सटेंशन है जिसके द्वारा कि आप बोलकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं बहुत ही आसान। और ये मल्टी लैंग्वेज है तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट है। तो अब आपको दिखाते हैं कि जैसे कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पर आना है ऐप्स में, तो ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो भी आपने ऐप इंस्टॉल की है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपको इस पे वॉइस नोट पे क्लिक करना है और फिर ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये माइक का ऑप्शन है तो यहाँ से आप स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ आना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे माई नोट्स का है तो ये यहाँ पर आपका जो भी ओपन होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वो उसका यहाँ पर नाम आता है, आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर माई डिक्शनरी है तो आप इसमें कोई भी डिक्शनरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें सेटिंग्स है, लाइक स्किन आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर माइक सेटिंग है तो माइक सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें अलाउ कर दें आप, ये आपसे पूछेगा कि आप माइक को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको ये तरह का दिखा देगा और ये आपसे मतलब आप इसमें माइक्रोफोन को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका वो कैलिब्रेशन कहते हैं उसको, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और ये देखिए ये आपको एक तरह से उसको एनालाइज करेगा और फिर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, फिर स्टॉप कर दें, फिर यहाँ पर आप आके चेक कर सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग कैसे हुई, तो वो आपको ये सब सुनाई देगा। ठीक है, वो करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आ जाइए आप इसमें ही अपनी इसी एक्सटेंशन पे। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको इस पर क्लिक करना है लैंग्वेज सिलेक्शन पे। कुछ भी ओपन करने से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्शन पे क्लिक करना है, फिर ये डायलॉग बॉक्स छोटा सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अ लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी लैंग्वेज हैं। जैसे इंग्लिश में आपको लिखना है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए और इंग्लिश कहाँ की है, कौन सी कंट्री की, जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया की आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप बोलेंगे तो वो इंग्लिश में टाइप हो जाएगा, इंडियन इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हैं तो। और अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो इसमें एक हिंदी का भी ऑप्शन है, ये देखिए ये हिंदी में। और अब मैं जो भी टाइप करूँगा या बोलूँगा वो यहाँ पर वो हो जाएगा। तो उसके लिए अब जैसे पहले मेरे को अपना माइक्रोफोन ऑन करना होगा, जब तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अब मैं जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर टाइप होता जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेटली जो भी मैंने बोला वो सब इसने टाइप कर दिया बहुत ही इजीली। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको चेंज करके और लैंग्वेज चेंज करके क्या दिखता है। तो इसमें लैंग्वेज में जाऊँगा मैं और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा इंग्लिश, और इंग्लिश में से अब हम इंडियन इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके अब मुझे
जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे एंटर अलग से दबाना पड़ेगा। इसमें ये सब पॉइंट, इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप फुल स्टॉप बोलेंगे तो ये फुल स्टॉप टाइप करेगा, आप कोमा बोलेंगे तो ये कोमा लगा देता है, पर ज़्यादातर ये कोमा लिखेगा। क्वेश्चन मार्क ही सब आपको अपने आप डालने पड़ेंगे, वो आप डाल सकते हैं यहाँ से या फिर आप कीबोर्ड से। तो जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश में अब ये कैसा दिखता है। तो मैं इस बटन को पहले क्लिक करूँगा। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स विद द इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन सी राइट नाउ, ये देख सकते हैं आप, इसने इंग्लिश में टाइप कर दिया है जो भी मैंने बोला है। अब जैसे मैंने इसमें फुल स्टॉप लगाना है तो मैं यहाँ से फुल स्टॉप लगा दूंगा, ये एंटर का दबा दूंगा, यहाँ से अनडू कर सकता हूँ या रीडू कर सकता हूँ, और जब ये सब हो जाए तो मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ, यहाँ से इसको कैपिटल लेटर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सारे सब तरह के ऑप्शंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आपका बहुत बहुत सारा समय जो घंटों वेस्ट होता है टाइपिंग में, और हो सकता है जैसे कि टाइपिंग हर किसी को नहीं आती, तो वो टाइपिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस वॉइस नोट के थ्रू। तो आज का एपिसोड मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर नहीं पसंद आया तो हिट द डिसलाइक बटन, और इस ऐप के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, उससे आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।